अमेरिका के टेक्सास से मंगलवार को दिल दहलाने वाली खबर आई। यहाँ के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 19 स्टूडेंट और 2 टीचर की मौत हो गई। इसके साथ ही 13 और बच्चे, स्कूल का स्टाफ और कुछ पुलिस वाले इस फायरिंग में घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने हमलावर के मरने का दावा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर खुद भी स्टूडेंट है और स्कूल जाने से पहले उसने अपनी दादी को भी गोली मारी थी। अमेरिका में घटनाएं बेहद आम होती जा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले इस साल यानी 2022 में अमेरिका के 27 स्कूलों में गोलीबारी हो चुकी है। साथ ही पूरे अमेरिका में इस साल मास शूटिंग की कम से कम 212 घटनाएं हुई हैं। ये डेटा अमेरिका के एक संगठन गन वायलेंस आर्काइव GVA का है। साल 2021 में अमेरिका में गोलीबारी के 693 मामले सामने आए, 2020 में 611 मामले, 2019 में गोलीबारी के 417 घटनाएं दर्ज की गईं। यहां 50 सालों में यानी 1968 से 2017 के बीच अमेरिका में 15 लाख से ज्यादा लोग बंदूक से होने वाली हिंसा में मारे गए। क्या है इन घटनाओं का कारण? अमेरिका में इस तरह की घटनाओं के पीछे बड़ा कारण यहां का गन एक्ट है। साल 1791 में अमेरिका के संविधान में दूसरा संशोधन लागू हुआ था और इसके तहत यहाँ हथियार रखना आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों में शुमार है। क्या है अमेरिका में बंदूक रखने की उम्र? यहाँ बंदूक खरीदने की न्यूनतम सीमा निर्धारित है। द गन कंट्रोल एक्ट 1968 यानी कि GCA कहता है कि राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरे हथियार मसलन हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। मंगलवार को इस घटना के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, एक राष्ट्र के तौर पर हमें पूछना चाहिए कि गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े होंगे और वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएंगे। बहुत सारी आत्माएं आज कुचली गई हैं। ये वक्त है जब हमें इस दर्द को एक्शन में बदलना है। लेकिन सवाल ये कि बाइडेन इस गन कल्चर को बदलेंगे कैसे, जब साल 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 63,000 लाइसेंस्ड गन डीलर्स हैं। अकेले 2018 में इन डीलर्स ने अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थीं। स्मॉल आर्म्स सर्वे एक स्विस बेस्ड लीडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके मुताबिक साल 2011 में अमेरिका के 100 में से 88 अमेरिकी नागरिकों के पास गन थी। साल 2018 आते ही यह आंकड़ा 120 पर पहुंच गया, यानी 100 नागरिकों पर 120 गन। अमेरिका में हावी होते इस गणतंत्र पर बाइडेन कैसे काबू पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।